नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। किशनगंज धर्मगंज के बीजेपी कार्यालय में शुक्रवार को जिला कार्य समिति की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल शामिल हुए। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि इंसानियत और मानवता को जिंदा रखना बहुत आवश्यक है। आगे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ना तो देश की चिंता है और ना ही विदेश की, वो सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि लाखों लोगों के सुझाव लेने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि इसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ लोगों का ही कब्जा वक्फ बोर्ड पर था, आम लोगों की कोई सहभागिता नहीं थी। वहीं जिला कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अलग अलग जिलों में संगठन को मजबूत करने का कार्य मैंने शुरू कर दिया है और उसी क्रम में आज किशनगंज में वृहद कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि संगठन के माध्यम से कार्यों को धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सुशांत गोप सहित अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको यहां पर यह भी बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल काफी एक्टिव दिख रहे हैं, पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार वो बिहार के कई जिलों में दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल आगामी विधानसभा चुनाव के मोड में दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले तमाम तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, तो क्या एनडीए के गठबंधन से नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाते हुए नजर आएंगे या फिर सरकार बदलेगी? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, तेजस्वी यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सभी यहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता और अन्य विपक्षी दल यहां पर तमाम मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एनडीए के समर्थित दल भी यहां पर 25 सीटों की मांग करते हैं, कहीं कोई यहां पर मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोकता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है और अगर ये फूट पड़ती है तो क्या इसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल उठाती हुई नजर आएगी। और लालू प्रसाद यादव अगर अपनी सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस स्थिति से उभरती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।